इसी वस्तु और वास्तु की परिभाषा को वी हैव लर्नड एंड अंडरस्टूड इन अ वेरी डिफरेंट वे इन आर ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज विच वी कॉल्ड वास्तुशास्त्र. वास्तुशास्त्र इज द साइंस ऑफ बिल्डिंग. वास्तु इज बिल्डिंग और एनीथिंग विच इज होल्डिंग एनीथिंग एंड शास्त्र इज द साइंस. बेसिक सबको मालूम ही है. इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग जो है ह्यूमन बॉडी. इसलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं वास्तुशिल्प शास्त्र. तो इसलिए हम कभी भी वास्तुशास्त्र ना बोलें क्योंकि आप अधूरा काम कर रहे हो. तो वी टॉक अबाउट वास्तु शिल्प शास्त्र. सो देर आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है, दिस वास्तु कैन बी डबल ए ऑल्सो, डजंट मैटर मच. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वास्तुशिल्प शास्त्र वेयर वन इज फिजिकल एंड अनदर इज एनर्जेटिक. सो वेन वी टॉक अबाउट वास्तु वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट शिल्पा वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट शास्त्र वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस. मैं जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. एंड वॉट इज फॉर्म? फॉर्म इज अ शेप. वंडरफुल. एंड इफ यू टॉक अबाउट शेप इन अ मोर होलिस्टिक वे, वॉट इज शेप? शेप इज द ह्यूमन. शेप इज द डायमेंशन एंड ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज द साइंस, इज द फॉर्म विच हैज अ पर्टिकुलर लाइफ इन इट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ज्योमेट्री. एवरी फॉर्म हैज अ लाइफ, एवरी शेप हैज अ लाइफ. सो शिल्प को हम ह्यूमन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम भी एक शेप है, हम भी एक फॉर्म है विच हैज अ लाइफ इन इट. तो शेप एंड लाइफ इज ऑल्सो टूगेदर फॉर्मिंग अ फंडामेंटल विच इज कॉल्ड ह्यूमन. अस, दिस इज अस, ये हम है. वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? ज्ञान, नॉलेज. एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ वास्तुशिल्प शास्त्र वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉलेज ऑफ लाइफ. सो ऑल दीज थ्री मेटाफर्स आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू लाइफ. सो दिस इज वी कॉल प्राणा. ये भी प्राणा है, ये भी प्राणा है और साइंस भी प्राणा का ही है. तो वास्तुशिल्प शास्त्र इज द साइंस ऑफ बिल्डिंग विथ ह्यूमन. इट इज नॉट ओनली साइंस ऑफ बिल्डिंग. साइंस ऑफ बिल्डिंग को वास्तुशास्त्र बोल के छोड़ सकते हो, लेकिन जब ह्यूमन रह रहा है, इंसान रह रहा है जो बिल्डिंग एक पर्टिकुलर लाइफ एनर्जी के लिए बनी है, देन इट इज कॉल्ड वास्तु विद द लाइफ एंड लाइफ इनसाइड अ एनक्लोजर. एंड दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज कॉल्ड वास्तुशिल्प शास्त्र, नेवर वास्तुशास्त्र.